अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश राजनीति खेल जगत की 5 सुपर खबरें देखिए मॉर्निंग सुपर 5 में। कोरोना से दुनिया भर में कोहराम, अब तक गई 7,984 लोगों की जान। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में दहशत है। दुनिया भर में कुल 198,412 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 7,984 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप समेत दुनिया के प्रभावित देशों में सड़कें सूनी है और माहौल कर्फ्यू जैसा दिख रहा है। चीन के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। अमेरिका में कोरोना से 26 और लोगों की मौत के बाद आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। 2.5 घंटे बंद रहेगी यस बैंक की सभी सर्विस, नहीं होगा कोई काम। जी हाँ, अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए आज यानी 18 मार्च 2020 का दिन काफी अहम है। दरअसल शाम 6 बजे से यस बैंक के खाताधारकों पर कैश निकालने की लिमिट हटा ली जाएगी। रिकवरी के बाद बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 30,000 अंक के नीचे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक मजबूत होकर एक बार फिर 31,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी करीब 100 अंक की छलांग लगाई और 9,000 अंक के स्तर को पार कर लिया। लेकिन ये बढ़त कुछ मिनटों तक रही और सेंसेक्स निफ्टी एक बार फिर गिरावट के साथ कारोबार करने लगे। शेयर बाजार के जानकारों की माने तो कारोबार के अंत में बिकवाली बढ़ सकती है। CAA हिंसा पर बड़ी कार्रवाई, उपद्रवियों ने भरा 80,000 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद जुर्माना वसूलने को लेकर भले ही दोनों पक्ष कोर्ट में अपने अपने दावे रख रहे हो, लेकिन इस बीच योगी सरकार के कड़े फैसले ने हिंसा करने वालों को जुर्माना भरने पर मजबूर कर दिया है। कानपुर में हिंसा के आरोपी 6 परिवारों ने 80,000 रुपए जिला प्रशासन के जिला कोष में जमा कराए, जबकि दूसरी तरफ मंगलवार शाम को लखनऊ जिलाधिकारी ने बाकायदा 13 लोगों के नाम 21 लाख से ज्यादा के रिकवरी चालान जारी किए हैं। अश्लील गाने में लिया महात्मा गांधी का नाम, भोजपुरी सिंगर पर हुई FIR। जी हाँ, भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका को अपने गाने में महात्मा गांधी का नाम लेना महंगा पड़ गया। झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे कार्यक्रम के दौरान प्रियंका पर एक अश्लील गाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। छोटा नागपुर खादीग्राम उद्योग ने इस मामले में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है। मॉर्निंग सुपर 5 में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।